हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज है होली का त्यौहार, आप सभी को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं शिप पर हूँ, मेरी ये पहली होली है। और मैंने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया आज के दिन मैंने आपके साथ, वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज होली है, हैप्पी होली। और हम आज स्विमिंग पूल में स्विम करेंगे, और अभी हम बैंगलोर जा रहे हैं। आप कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ, आप भी अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं नीचे लंच करने के लिए, तो बस मैं और पीहू नीचे उतरे हैं। पीहू को नहला करके तैयार किया है, और लंच का ज़्यादा कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया, बस लंच करने गई और फिर ऊपर आ गए हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर लंच करने के बाद हम लोग रूम पर बैठे थे, तभी कैप्टन सर का फ़ोन आया कि बड़ा साहब मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कैप्टन सर आए हैं, और हम लोग एक दूसरे के यहाँ पर गुलाल लगा रहे हैं। किसने लगाया कलर? सर ने लगा दिया। हैप्पी होली बना दी आपकी। हैप्पी होली, आप सभी को भी हैप्पी होली। आप लोग भी अपने घर में गुलाल खेलिए और खुश रहिए। हैप्पी होली, सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीहू जल्दी बोलो। हम लोग यहीं पे अपना ऑर्गेनिक कलर से हैप्पी होली, ऑर्गेनिक कलर से हैप्पी होली कर रहे हैं। और अब जा रहे हैं हम लोग पूल पार्टी के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे पूल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। पीहू तैयार हो गई पिचकारी लेके? चलिए, पीहू ने बॉटल से ही अपनी पिचकारी बना ली है। ऐसे देखें, देखें पीहू। तो हम लोग नीचे डेक पे जा रहे हैं स्विमिंग पूल को, यहाँ पे अच्छे से पानी वानी भर करके लोग यहाँ पे होली मना रहे हैं। तो मैं और पीहू ऊपर से खड़े होकर के देख रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। तो बड़ा साहब नीचे गए हैं रंग ले गुलाल ले करके, और सब लोग एक दूसरे के लगा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख करके, और मैंने आप लोग के साथ ये शेयर किया कि जहाज़ पर हम लोग कुछ ना होते हुए भी किस तरह से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने तो बस ऐसे ही अपने और वर्मा जी के लगा लिया, मतलब एक दूसरे के रंग लगा करके गुलाल लगा करके ही खेला। बाकी मैंने कुछ कुछ रेसिपीज़ बनाई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा कि देखिए हम लोग शिप पे भी किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। और घर से दूर हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जहाँ भी रहो जैसे भी रहो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इसी का नाम जीवन है। मुझे तो यही लगता है, जहां भी रहो अच्छे से खुश रहो।
से डालो, ऊपर से नीचे डालो, नीचे यहाँ पे ये सब लोग खेल रहे हैं। अब मैं नीचे जा रही हूँ गैली में, जो मुझे बनाना है उसके लिए तैयारी करने के लिए। अभी 3:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और मैं वर्मा जी से यहाँ पे बोल रही थी कि मैं नीचे चलती हूँ, तो वर्मा जी ने बोला चलो मैं भी चलता हूँ। तो आज हम दोनों पति पत्नी मिल करके होली पे स्पेशल कुछ बनाने वाले हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट करके और अपना प्यार दे करके जल्दी से मुझे बता दीजिए। अच्छा लगता है आप लोग के प्यारे प्यारे कॉमेंट्स देख करके, बहुत दिल खुश होता है। ये देखो पीयू है ना, मेरे ऊपर बार बार पानी डाले जा रही है अपनी बोतल से। पीयू सोच रही है कि वो होली खेलने जा रही है। हाँ क्या होली का रंग है? होली का रंग है क्या? ओके दही बड़े खाना आप खाना। तो मैं यहाँ पे वड़े फ्राई कर रही हूँ और इसको मैं पानी में निकाल के डालती जा रही हूँ जिससे कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। बाकी तो मैंने रेसिपी आप लोग के साथ बहुत बार शेयर करी है। तो बस आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मेरे पति देव को पसंद है दही बड़े इसलिए, और हर साल बनाती हूँ मैं उनके लिए। तो बस मैंने सोचा चलो आज भी बना लेते हैं, और गुजिया नहीं बना पाए हैं तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे कुछ तो मीठा स्वीट ज़रूरी है। तो यह शाही टोस्ट ही बना रही हूँ, शाही टुकड़ा जिसे बोलते हैं। ब्रेड को फ्राई करके चाशनी पहले ही बन गई है, तो बस ब्रेड फ्राई करके उसमें डालते जाएंगे जिससे कि एक स्वीट डिश हो जाएगी। और मैं थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी बनाऊंगी जो कि आलू प्याज और पनीर की होगी। तो ये 3 आइटम ही मैंने बनाए होली स्पेशल समझ लीजिए आप, जो मैंने तैयारी करी है वो यही है। आप लोगों ने क्या क्या बनाया मुझे कमेंट करके बताइएगा, और होली हो गई होगी आप लोगों की कैसी हुई है ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी आपको ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने दही बड़े बनाए, पकौड़ियाँ बनाई और शाही टुकड़े बनाए हैं। तो अभी हम लोग जो ऊपर होली खेल रहे हैं उनको ले जा करके थोड़ा मुँह मीठा करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर, ये है मेरे शाही टुकड़े। तो उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे और फिर यहाँ पे सेकंड साहब आए हुए हैं। तो वर्मा जी यहाँ पे सेकंड साहब को रंग लगा रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और मीठा खिला रहे हैं। बस इसी तरह से हम लोगों ने होली का त्यौहार अपना मना लिया है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये
यहाँ पे चीफ कुक और ट्रेनी कुक जो हैं वो भी खाना बना रहे हैं, और मैंने पूरी दही बड़े की तैयारी कर ली है। यहाँ पे बड़े जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, मैंने पानी में डाल दिया था, और मैंने पूरे स्टाफ के लिए बनाया है जैसे कि मैंने वर्मा जी के बर्थडे में बनाया था उसी तरह से। तो बस यहाँ पे अब दही बड़े को गार्निश किया जा रहा है, मतलब कि प्लेटिंग की जा रही है। चटनी तैयार है, हरी चटनी, मीठी चटनी, और मैंने जीरा भी भून लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे सबके लिए वर्मा जी जो हैं उसको प्लेटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा चलो आप प्लेटिंग करो, मैं इधर पकौड़ियाँ भी फ्राई करती जा रही थी, साथ ही साथ मैं आप लोग के लिए वीडियो भी शूट कर रही थी। तो कैसा लग रहा है आपको दही बड़े कॉमेंट करके बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतने सारे दही बड़े बनाए हैं, आज तक मैंने कभी नहीं बनाया। मतलब हमेशा वर्मा जी के लिए मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ क्योंकि वही खाते हैं घर पर, मैं तो खाती नहीं हूँ, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा बना लेती थी हमेशा। लेकिन इस बार मैंने सबके लिए बनाया तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि एटलीस्ट मेरे हाथ का दही बड़ा सब लोग खाएंगे। पूरे स्टाफ को भी बहुत अच्छा लगा था, सबने बहुत प्यार से खा लिया था। अभी हम लोग रूम पे आ गए हैं, रूम से बाहर का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा था, होने वाला था, और उसके बाद हम लोग नहा करके चेंज करके भगवान जी की पूजा करने वाले हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने नहा करके चेंज कर लिया है और नए कपड़े पहन लिए हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं होली खेलने के बाद नए कपड़े पहन के और फिर लोगों से मिलने जाते हैं। तो यहाँ मिलने तो क्या कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चेंज कर लिया है। पीयू भी तैयार है। पीयू क्या पहनी है? पटियाला। पीयू को मन था पटियाला पहनने का, तो उसने पटियाला पहन लिया है। और इधर बैठे हैं वर्मा जी। तो हेलो वर्मा जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली टू एवरीवन। तो कैसा लगा आज? आज तो एकदम मजा आया आपके साथ में खाना बना के और दही बड़े बनाए सब लोगों के लिए। दही बड़ा कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे एक बात आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि मैडम जो है ये दही नहीं खाती हैं, तो ये दही बड़े भी नहीं खाती हैं। पता है, मैंने बता रखा है। सिर्फ जो है हमारे लिए बनाती हैं दही बड़े, तो ये हमको जो है बहुत ही मैडम हर बार तो अभी वर्मा जी दही बड़े खाएंगे और फिर बताएंगे आपको कैसा बना है। हाँ, जरूर, जरूर। है ना? वैसे मैं ऑलरेडी 2-3 खा चुका हूँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, फिर अभी टाइम हो गया है 6:30। हम लोगों ने पूजा भी कर ली है और फिर अब डिनर का टाइम हो रहा है। तो डिनर का इतना मन तो नहीं है हम लोगों का, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ लेकर के कैबिन में ही आ जाऊंगी और फिर हम लोग साथ में बैठ करके थोड़ी देर बाद अपना डिनर करेंगे। बाल अभी थोड़ा गीला है। और हाँ, आज मैंने क्या पहना है दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कुर्ती पहनी है मैंने, कुर्ती प्लाजो सेट है, पहली बार ये अभी पहना है। ये कुर्ती तब जब मैं घर में गई थी फतेहपुर, तब ajio.com से जब मैंने मम्मी ने मुझे खरीदा था, दिलाया था, तो ये वही कुर्ती है। तो एक रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज नई है तो नई कपड़ा पहन लेते हैं, थोड़ा इंडियन वेयर पहन लेते हैं, इसीलिए ये पहन लिया।